तो आखिरकार बांग्लादेश की सरकार भारत से चाहती क्या है, यह बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि उनके द्वारा भारत के खिलाफ हर एक नाकाम कोशिश की जा रही है जो कि उनसे संभव हो पा रहा है। और हाल ही में कुछ दिन पहले यह खबर निकलकर आई थी कि बांग्लादेश में चीन की नेवी की पहली एंट्री हो चुकी है और वह अपनी नेवल बेस के साथ बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो खबर निकलकर आ रही है वह भारत के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी यह अभी तक भारत में टिकी हुई है और बांग्लादेश भी इस पर अभी तक शांत बैठा था। लेकिन खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से अचानक शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश में भेजने के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। यहां तक कि बांग्लादेश के जो कानून सलाहकार हैं, उन्होंने भारत को टारगेट करते हुए धमकी भी दिया है कि अगर भारत इन्हें अपने देश से निकालने में असफल होता है तो बांग्लादेश भारत के ऊपर बड़े लेवल पर कड़ा विरोध करेगा और इनके द्वारा भारत के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी के कारण जो दोनों देशों के बीच थोड़ा बहुत माहौल ठंडा भी हो रहा था, वह एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और यहां पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है कि क्या भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश भेजेगा या फिर भारत अपने तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। फिलहाल के लिए हम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आज की वीडियो में उपस्थित हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में जो भगदड़ मची थी और तख्ता पलट हुआ था वह सब भारत के विरोध में हुआ था और शेख हसीना भारत की सपोर्टर थी। साथ ही शेख हसीना हिंदू अल्पसंख्यकों को भी बांग्लादेश में साथ लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहां के लोग चाहते थे केवल मुसलमानों पर ध्यान दिया जाए और हिंदुओं पर नहीं, इसलिए उन्हें सत्ता से हटाने के लिए विरोध किया गया। इसके बाद उन्हें मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन देकर देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद वह भागकर भारत आई और भारत अपने देश में इन्हें शरण दिया और ये भारत में टिकी हुई है। भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दिया तो बांग्लादेश के लोग और आग बबूला हो गए और वहां पर जब कुछ दिन बाद अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुना गया तो उनके द्वारा भारत को कई धमकियां दी गईं और शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश में वापस भेजने को कहा गया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता तो शेख हसीना की जान खतरे में चली जाती और वहां के लोग जिस तरीके से शेख हसीना और भारत के प्रति गुस्सा थे, ऐसी स्थिति में हसीना का पसीना निकालने में बांग्लादेश देर नहीं करता। लेकिन इसके बाद भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी काफी ज्यादा कमजोर हो गए। लेकिन भारत शांत था और भारत के द्वारा जो भी जरूरत की वस्तुएं बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जा रही थीं उसको भारत ने नहीं रोका और भारत की तरफ से यह सारी कोशिश की गई कि हमारा रिलेशन बांग्लादेश से कमजोर ना हो। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार को शायद भारत की मदद मंजूर नहीं थी और इसीलिए उन्होंने भारत से अपने रिश्ते कमजोर करना शुरू कर दिया और उसके बाद बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस ने अपने व्यापार को चीन और पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया। इसके बाद भारत को ना चाहते हुए भी बांग्लादेश के ऊपर शिकंजा कसना पड़ा, जिसमें भारत ने बांग्लादेश के साथ चलने वाले कुछ प्रोजेक्ट को बंद किया। साथ ही भारत ने जब थोड़ा और बहुत कार्यवाही किया तो भारत का पैसा बांग्लादेश के पास जो बाकी था उन्होंने धीरे धीरे चुकाना शुरू किया। लेकिन अब बांग्लादेश के तेवर फिर से शुरू हो गए हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। और अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है बल्कि 1 हफ्ते पहले की बात है जब बांग्लादेश में चीन के नेवी अपनी जहाज के साथ पहुंची थी और अभी तक भारत के बगल बांग्लादेश में एक बंदरगाह निर्माण के बहाने डेरा डाले हुए है जो कि भारत के लिए खतरा बनी हुई है, क्योंकि इससे चीन भारत की जासूसी कर सकता है। लेकिन ऐसा किए 1 हफ्ते भी नहीं बीते कि बांग्लादेश हाल ही में अपनी फुल औकात पर आ गया और उन्होंने शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया।
यानी कि अगर शेख हसीना भारत में है तो यह भारत की जिम्मेदारी है कि उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश में भेजें। लेकिन भारत ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि हमें यह बात मालूम है कि शेख हसीना बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं रहेगी। फिलहाल जहां तक बांग्लादेश की तरफ से केवल वारंट जारी किया गया था, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन वारंट के एक दिन बाद जो खबर सामने निकल कर आई है, वह भारत के लिए नई मुसीबत बन चुकी है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि बांग्लादेश के जो विधि सलाहकार यानी कि कानून एडवाइजर है, उन्होंने भारत को धमकी दी है कि यदि भारत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करके उनके देश में नहीं भेजा गया तो वह लोग भारत का कड़ा विरोध करेंगे। आपको बता दें कि जिन्होंने भारत को धमकी दिया है, यह बांग्लादेश की एक कानून सलाहकार है जिनका नाम है आसिफ नजरुल। इन्होंने न सिर्फ भारत को धमकी देते हुए बयानबाजी की, बल्कि इन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि बांग्लादेश में कानूनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर भारत ईमानदारी से शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस भेज देता है तो यह भारत के लिए ठीक रहेगा। और बांग्लादेश के कानून सलाहकार ने भारत को किस तरह चेतावनी देने की कोशिश की है, इसका अंदाजा आप इस शब्द को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें इन्होंने भारत को याद दिलाया कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच पहले से ही एक प्रत्यर्पण संधि पर समझौता हुआ है, यानी कि अगर बांग्लादेश चाहे तो भारत पर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। वैसे तो यहां पर भारत ने शेख हसीना के अरेस्ट वाले वारंट पर सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बस केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह बात कही कि शेख हसीना अभी भारत में ही है और वह सुरक्षित है। वैसे तो बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना पर 200 से भी अधिक केस दर्ज है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट की हत्या का आरोप शेख हसीना पर लगाया गया है। और ऐसे में कानूनन यदि बांग्लादेश के पास कोई सबूत है तो वह शेख हसीना को वापस ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना जरूरी है वह यह है कि आज से 11 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसका दावा लेकर बांग्लादेश के कानून मंत्री ने भारत को चेतावनी दिया है कि हम भारत पर कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इसका नियम क्या था, यह शायद बांग्लादेश को नहीं पता जो इतना उछल रहे हैं, क्योंकि असल मायने में जो यह समझौता यानी कि संधि हुई थी, इसमें पहली बात तो यह है कि दोनों देशों ने गिरफ्तारी वारंट और सबूत साझा करने के नियम को ही खत्म कर दिया था। यानी कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश चाहे तो अपने देश में ले जा सकता है, यदि इसका मामला राजनीतिक अपराध से नहीं जुड़ा है। हालांकि इस संधि में यह भी नियम था कि अगर किसी राजनीतिक अपराध से जुड़े किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की कोशिश की जाती है तो उसे कोई भी देश मना कर सकता है। यानी कि शेख हसीना का मामला राजनीतिक अपराध से जुड़ा है, इसलिए भारत सीधे तौर पर इनकार कर सकता है और शेख हसीना को शरण देने का अधिकार भारत के पास सुरक्षित है। ऐसे में बांग्लादेश धमकी दे या फिर चेतावनी दे, इससे भारत का कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है, और शेख हसीना को शरण देना है या नहीं ये भारत तय करेगा। फिलहाल आप लोगों का बांग्लादेश की इस बेवकूफी के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और हमने आप तक सही जानकारी लाने के लिए वीडियो में काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।